गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोसेस डाइजेशन में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी जितनी भी टेकिंग ऑफ फूड है या हम कहें एनर्जी प्रोवाइडिंग का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था इजेशन। इजेशन क्या होता है? टेकिंग फूड इन। आप फूड अंदर ले जा रहे हो तो जैसे ही आपने फूड अपने माउथ में डाला उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दैट इज डाइजेशन। क्योंकि हम माउथ में ही क्या है उसकी च्यूइंग स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने दांतों से उसे चबाना शुरू कर देते हैं, तो चबाने के टाइम वो खाना छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाता है। टूटने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि डाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स इंटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। मतलब बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना और इतने छोटों में तोड़ देना कि उनको सेल्स एब्जॉर्ब कर सकें, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि डाइजेशन। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि भी हमारे जो फूड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारे फूड पार्टिकल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इनका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में टूटना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो जरूर उसको तोड़ने के लिए अब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, तो कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कौन सा कंपोनेंट हमारा फूड का ब्रेक होएगा? जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कहाँ ब्रेक होएगा, प्रोटीन कहाँ पर ब्रेक होएगा, फैट्स कहाँ पर ब्रेक होएंगे, तो इस लेक्चर में हम इसी चीज की डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे फूड की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है? हमारे माउथ में ही, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं जो खाने को चबाने में और निगलने में मदद करते हैं। तो जैसे ही आप खाना मुंह में चबाना शुरू करते हो तो हमने पढ़ा था माउथ में हमारे 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा रिलीज करेंगे जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ही हमारा फूड सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है, नरम होना शुरू हो जाएगा। साथ में इस सलाइवा में हमने पढ़ा था कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या? एक तो सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था हमने और दूसरा लाइसोजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ कौन से कंपोनेंट के ऊपर काम करेगा? हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा? उसके छोटे कंपोनेंट में तोड़ देगा, माल्टोज में। किस में तोड़ देगा? माल्टोज में। ये एक डायसेकेराइड है, दो शुगर से बना हुआ डायसेकेराइड, दो शुगर से बना हुआ कंपोनेंट है। हमने सबसे सिंपल चीज में तोड़ देना है हमारे, ताकि हमारी वो सिंपल चीज सेल्स एब्जॉर्ब कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ पर ही स्टार्ट हो गई है बच्चे? माउथ में स्टार्ट हो गई है, जहां पर स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? स्लाइवरी अमाइलेज। और हमारी स्लाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। प्रोटीन की कोई डाइजेशन नहीं होगी यहाँ पर, फैट्स की कोई डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए स्लाइवा में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? डाइजेशन इज स्टार्टेड इन बक्कल कैविटी वेयर स्लाइवा हैव एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज विच एक्ट ऑन दी कार्बोहाइड्रेट। अब
जब खाना मुंह में चबा लिया गया, हमने टंग की हेल्प से उसको गले में भेज दिया, फिर वो गले से होता हुआ वहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, ओसोफेगस, फूड पाइप प्रेजेंट है हमारी, जो आगे जाकर किस में खुलेगी, स्टमक में खुलेगी। तो जब खाना हमारा ओसोफेगस में जा रहा है, उस मूवमेंट को, जो उस पाइप में से फूड जब ट्रेवल कर रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरास्टेलिस। ये मस्कुलर मूवमेंट होती है। कैसी होती है ये? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से खाना आगे पीछे होता हुआ नीचे पहुंचता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरास्टेलिस मूवमेंट। हमने क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स भी पढ़ी थी। तो सेकंड लेयर क्या थी, मस्कुलरिस थी, वहां पर मसल्स प्रेजेंट थी। तो जो भी मूवमेंट होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हम ओसोफेगस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैरास्टेलिस मूवमेंट है, तो वहां पर मसल्स काम करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल काम कर रही है, सर्कुलर मसल काम कर रही है, ताकि वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होए और उसमें जो चीज प्रेजेंट है वो आगे मूव हो जाए। तो ओसोफेगस भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो वहां पर मस्कुलरिस कौन सा मूवमेंट करवा रही है, पैरास्टेलिस मूवमेंट, टू मूव द फूड फॉरवर्ड। तो ओसोफेगस से होता हुआ खाना कहां पहुंच गया है, स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक भी क्या है, एक हमारा मेजर ऑर्गन है, पेट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक। गैस्ट्रिक जो वर्ड यूज होता है स्टमक के लिए यूज होता है, गैस्ट्रिक, जैसे हम कहते हैं ना पेट की प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। तो तीन, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हमने स्ट्रक्चर किया था, ये हमने स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट पार्ट, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक, ये हमने इसके पार्ट्स किए थे। तो यहाँ पर इनर वॉल जो होती है आपकी म्यूकोसा, यहाँ पर इसमें क्या है, तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट है अंदर की तरफ। एक तो म्यूकस सेल्स, जिस म्यूकस सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, गॉबलेट सेल। दूसरा पेप्टिक सेल या चीफ सेल। तीसरा पेराइटल सेल या ऑक्सीनेटिक सेल। ये तीनों सेल्स के आपके नाम, आपको नाम याद होने चाहिए कि स्टमक के अंदर कौन से तीन सेल्स हैं और जो अलग अलग सिक्रीशन निकालते हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, नेम दी सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। तो म्यूकस सेल प्रेजेंट होता है, पेप्टिक सेल प्रेजेंट होता है, पेराइटल सेल प्रेजेंट होता है। म्यूकस सेल बोले या गॉबलेट सेल बोले, एक ही बात है। तो ये क्या रिलीज करेगा, म्यूकस, चिकना पदार्थ निकालेगा जो हमारे अंदर वाले सेल्स को लुब्रिकेट, चिकना करके रखेगा ताकि वो ठीक से काम कर सके। पेप्टिक सेल क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम, लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव का मतलब जो काम करने लायक नहीं है अभी। एंजाइम तो निकल रहा है लेकिन ये फूड के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम का काम तो क्या था, फूड को तोड़ना, उसके कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। लेकिन अभी ये जो एंजाइम पेप्टिक सेल या चीफ सेल निकाल रहे हैं, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और थोड़ा बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ लाइपेज भी रिलीज होता है, बहुत फ्यू अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट में हमारा यहाँ पर लाइपेज भी रिलीज हो, लेकिन जो मेजर एंजाइम है ये दोनों है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। लेकिन कैसे रिलीज हो रहे हैं, ये प्रो फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। फिर तीसरा जो सेल है पेराइटल या ऑक्सीनेटिक सेल, ये क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। HCl क्या है, एक एसिड है, इसी की वजह से हमारा जो स्टमक का पीएच होता है दैट इज 2। तो हमारे स्टमक में कैसी कंडीशन है बच्चे, हाईली एसिडिक कंडीशन है। स्टमक में कैसी कंडीशन है, हाईली
एसिडिक कंडीशन है। तो जैसे ही ओसोफेगस से खाना हमारे स्टमक में पहुंच रहा है, स्टमक में पहुंचने के बाद जैसे ही खाना वहां पर आया, ये सारे सिक्रीशंस निकलने लग जाएंगे, ये सारी चीजें निकलने लग जाएंगी। निकलते ही वो फूड में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जो फूड हमारा स्टमक में पहुंचा है उसे हम क्या बोलेंगे, काइम। मतलब इन सारे म्यूकस के साथ पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, HCl के में घुलकर जो फूड बना है हमारा स्टमक में उसे हम क्या बोलेंगे, काइम। फूड प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई। अब HCl का रोल क्या है, HCl का रोल ये जो जितने भी प्रो एंजाइम बने हैं इनको एक्टिव फॉर्म में बदल देना, मतलब इन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव में बदलने में कौन हेल्प करेगा, HCl हेल्प करेगा। एक तो ये फंक्शन हो गया HCl का, टू कन्वर्ट इन एक्टिव एंजाइम टू दी एक्टिव फॉर्म। दूसरा, मान लो कोई आपके खाने में वो आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, तो उसको भी किल करने में मदद करेगा। और कैसी कंडीशन क्रिएट करेगा स्टमक में, ताकि हमारे एंजाइम ठीक रूप से काम कर सके, एसिडिक कंडीशन। क्योंकि ये सारे एंजाइम कौन सी कंडीशन में काम करते हैं, एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। तो ये मेजर फंक्शन हो गए किसके, HCl के। मेजर फंक्शन क्या हुआ, टू कन्वर्ट इन एक्टिव एंजाइम्स टू दी एक्टिव फॉर्म। तो जैसे पेप्सिनोजन है, HCl ने इसके ऊपर काम किया तो ये किस में बदल गया, पेप्सिन में बदल गया। प्रोरेनिन है, HCl ने काम किया किस में बदल गया, रेनिन में बदल गया। अब ये पेप्सिन और रेनिन है, अब ये फूड के कौन से पार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रोटीन के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, स्टमक में किसकी डाइजेशन हो रही है बच्चे, प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है। इससे पहले हमने माउथ में पढ़ा था, प्रोटीन की किसी तरीके की भी डाइजेशन नहीं हुई थी। तो प्रोटीन के ऊपर काम हो रहा है कहाँ पर, स्टमक में हो रहा है। प्रोटीन पेप्सिन से एक्ट होएगा और किस में बदल जाएगा, पेप्टोन में। समझो ये ऐसे है बच्चे, एक बहुत लंबी रस्सी है और उसमें ऐसे मोती डाल रखे हैं आपने हजारों की संख्या में, ये आपकी प्रोटीन है। पेप्टोन क्या समझेंगे हम इसको, मान लो 10-10 के ये मोती अलग हो गए हैं, अभी भी बिल्कुल छोटे हिस्से में नहीं टूटा है, क्योंकि हमें सेल तक पहुंचाने के लिए ये सिर्फ इस फॉर्म में चाहिए। हमें कैसे चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तब तो सेल इसको ले लेगा, क्योंकि ज्यादा बड़े पार्टिकल्स को सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो प्रोटीन तो बहुत लंबी है, जैसे एक माला है उसमें 100 मोती जुड़े हुए हैं आपस में, वो 100 मोती हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनको हमने क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ा आपने क्या, 10-10 के मोती के छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए, अभी भी ये सेल में एब्जॉर्ब होने के लिए बड़ा है। तो ये 10-10 के जो छोटे पार्टिकल्स बने हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, पेप्टोन। क्या बोलेंगे हम, पेप्टोन बोलेंगे। तो प्रोटीन पहले कौन से हिस्से में टूट जाता है, पेप्टोन में टूट जाता है, किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से। इसके अलावा दूसरा एक और है, कैसीन क्या होता है, हमारे मिल्क प्रोटीन होती है ये। क्या है ये, मिल्क प्रोटीन, हमारे दूध में प्रेजेंट होती है ये मिल्क प्रोटीन। इस कैसीन के ऊपर कौन काम करता है, रेनिन, जो इसको किस में बदल देगा, पैरा कैसीन में। पैरा कैसीन में तो दूध में कैल्शियम भी है, वो पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ कंबाइन कर क्या बना देगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, जिसके ऊपर पेप्सिन काम करेगा और किस में बदल जाएगा, पेप्टोन में। यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है बच्चे, रेनिन जो एंजाइम होता है ये सब में नहीं रिलीज होता। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, रेनिन निकलना क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ये सिर्फ इन्फेंट में निकलता है, न्यू बॉर्न बेबीज में, जो बिल्कुल ही किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं,
फूड फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मिल्क के लिए। छोटा बच्चा सिर्फ मदर की फीड लेता है, दूध माँ का दूध पीता है, उस वक्त उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनिन रिलीज करता है, क्योंकि उसका फूड कंपोनेंट सिर्फ क्या है, मिल्क है। तो मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम है, रेनिन है। तो कैसीन मिल्क प्रोटीन होती है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर रेनिन का बहुत ज़्यादा अमाउंट निकलता है, और कैसीन ही सोर्स ऑफ प्रोटीन है छोटे बच्चे में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 6 महीने के बाद वो और फूड आइटम्स खाना शुरू कर देता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे रेनिन का अमाउंट कम होता चला जाता है। तो इन्फेंट्स में कई बार क्वेश्चन आता है, रेनिन इज रिलीज्ड इन 6 मंथ बेबी, 12 ईयर्स बॉय, तो आपने क्या बताना है, इन्फेंट क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट। तो कैसीन किस में रिलीज, रेनिन किन में रिलीज होता है, न्यू बॉर्न बेबीज में, जो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए, माँ के दूध के ऊपर। तो स्टमक में हमारे ये दो मेन एंजाइम निकल रहे हैं, पेप्सिन और रेनिन। हमने अभी देखा था फ्यू अमाउंट ऑफ लाइपेज भी रिलीज होता है, जो थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है हमारे फैट के, मतलब इनको अब सेल एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन फैट इतना बड़ा पार्टिकल है, लाइपेज डायरेक्ट इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। ये तो हम कहेंगे सिर्फ एक फ्यू अमाउंट में बनेगा हमारा स्टमक में। मेजर डाइजेशन स्टमक में किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, ना फैट की होती ना कार्बोहाइड्रेट की होती। फूड स्टार्ट कहाँ हुआ डाइजेशन होना, माउथ में सिर्फ किसकी डाइजेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट की। फिर खाना स्टमक में पहुंच गया, वहां पर स्टमक में पहुंचने के बाद हम उसको क्या कह रहे हैं, काइम कह रहे हैं, और वहां पर किसकी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की हो रही है, और बहुत थोड़े अमाउंट में फैट की भी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कोई भी डाइजेशन नहीं होती। तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हुई, पाइलोरिक स्फिंक्टर से अब खाना कहाँ एंटर कर जाएगा बच्चे, इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो 3 तरह के सिक्रीशंस आ रहे हैं, हमने पढ़ा था बाइल जूस आता है वहां पर, पेंक्रियाटिक जूस आता है, और इंटेस्टाइन का खुद का जूस। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लिवर से। पेंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है, पेंक्रियास से। और इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से आ रहा है, इंटेस्टाइन। तो ये 3 तरह के लिक्विड प्रेजेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कैसे कैसे काम करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो बाइल होता है उसके अंदर किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है, सिर्फ उसके अंदर क्या है, बाइल सॉल्ट्स और 2 पिगमेंट प्रेजेंट होती है, बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन। ये सिर्फ क्या है, पिगमेंट्स हैं जो हमारे वेस्ट को कलर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो बाइल्स जो है उसके अंदर किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है, सिर्फ सॉल्ट्स है। बाइल क्या करता है, ये हेल्प करवाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि फैट के जो पार्टिकल्स हैं बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनके ऊपर एंजाइम ठीक रूप से काम नहीं कर पाएगा। मान लो ये लाइपेज है, लाइपेज ही एंजाइम फैट के ऊपर काम करता है, तो ये इसके साथ जुड़ नहीं पाता जब फैट बड़ा पार्टिकल होता है। तो जैसे ही फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, कौन, बाइल सॉल्ट इसको चारों तरफ से घेरेंगे, तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। इस लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये किसकी मदद से हो रहा है, बाइल सॉल्ट की मदद से। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, क्योंकि फैट बाइल के बिना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जो आप घी या तेल खाते हैं वो क्या है, इसके बिना
ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसलिए हमारा लीवर एक बहुत मेजर ऑर्गन है जो हमारी किसकी डाइजेशन में मदद करता है, फैट की, क्योंकि वो क्या निकालता है, बाइल। बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट। तो ये फैट पार्टिकल्स छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, इनको बोल देंगे हम इमल्सिफाइड फैट। फिर अब इनके साथ लाइपेज आसानी से जुड़ सकता है, बड़े के साथ नहीं जुड़ पा रहा था, अब लाइपेज इन छोटे फैट पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाएगा। और किस में टूट जाएगा, सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। अब जो हमारा स्टमक में पीएच था बच्चे, वो कितना था, 2, एसिडिक था। लेकिन जैसे ही खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, यहाँ पर कंडीशन कैसी है, 8.8, इट इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन इन नेचर है। तो अगर कोई खाने का सामान हमारा स्टमक की चीजों को लेकर आ रहा है, वो एक्ट नहीं हो पाएगा। मान लो पेप्सिनोजन साथ में आ रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर तो कैसी पीएच है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, 8.8 एल्कलाइन है, बेसिक कंडीशन है हमारी पीएच की। जबकि स्टमक में कैसी थी, एसिडिक थी। तो स्टमक वाली चीजें अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं कर सकती। तो बाइल का रोल हमने पढ़ा, बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एक्टिवेट द लाइपेज एंजाइम विच कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पेंक्रिया से है, पेंक्रियाटिक जूस। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लेज। हर फूड कंपोनेंट को तोड़ने के लिए पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये प्रोफोम में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रोफोम क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे, ना ट्रिप्सिनोजन काम कर पाएगा, ना कीमोट्रिप्सिनोजन, ना प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो पेंक्रियाटिक जूस में सबसे ज्यादा अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट है, इनएक्टिव स्टेज में है। तो जैसे ही पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन का भी जूस है, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, एंटीरोकाइनेज। किसके अंदर है ये कई बार क्वेश्चन आता है, एंटीरोकाइनेज इज प्रेजेंट इन बाइल, पेंक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल, स्टमक। कहां पर प्रेजेंट होता है एंटीरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। ये एंटीरोकाइनेज जो पेंक्रिया से जूस आ रहा है, और उसके अंदर जितने भी एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, उनको किस में बदल देगा, एक्टिव स्टेज में बदल देगा। जैसे ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव है, इंटेस्टाइन के जूस में क्या प्रेजेंट है, एंटीरोकाइनेज, जो किस में बदल देगा इसको, ट्रिप्सिन में बदल देगा, जो एक्टिव फॉर्म है। अब ये ट्रिप्सिन बाकी जितने भी एंजाइम प्रेजेंट हैं उनको एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। ये क्या है, एक्टिव, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या कीमोट्रिप्सिनोजन किस में बदल जाएंगे, कीमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइड। जहां पे बच्चे नोजन आ गया, वो समझो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज। जैसे हमने पेप्सी नोजन किया था, नोजन किसमें बदल गया था फिर, वो पेप्सिन। ऐसे ही यहाँ पे कीमोट्रिप्सी नोजन, नोजन आ गया तो क्या कहेंगे हम, इनएक्टिव या प्रो स्टेज है ये, कीमोट्रिप्सिन। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिप्सी नोजन, इनएक्टिव है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो एंटीरोकाइनेज की हेल्प से हमारे पेंक्रियाटिक जूस क्या हो गए, एक्टिव फॉर्म में हो गए। तो अब यहाँ पर ये ट्रिप्सिन जो हमारे स्टमक से चीजें आ रही थी, वहां पर टूटा हुआ था पेप्टोन या पेप्टाइड में, अब ये ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन के पार्ट्स पर एक्ट करेगा, किसके ऊपर, पेप्टोन के ऊपर,
मतलब समझो वो 10-10 बीड्स वाली जो थी, अब ये फर्दर टूट जाएंगी एक एक बीड वाले में, मतलब एक बीड या हम कहें पेप्टोन चेंज इनटू ट्रिप्सिन, पहले डाई पेप्टाइड में टूटेगा ये, डाई पेप्टाइड का मतलब होता है दो बीड आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये डाई पेप्टाइड, इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट है डाई पेप्टाइडेज, इसकी हेल्प से ये किसमें टूट जाएगा आपका अमाइनो एसिड, एक बीड। तो प्रोटीन की हम क्या कहेंगे सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड। जैसे हम हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सेल, कि बहुत सारे सेल जुड़कर हमारे टिश्यू बन रहे, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब हो रहा है। ऐसे ही अलग अलग तरह की जो प्रोटीन्स बनी हुई हैं उन सब की छोटी इकाई कौन है, अमाइनो एसिड। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन सबसे छोटी इकाई में टूट गया, किसमें, अमाइनो एसिड। स्टमक में जो पेप्टोन आ रहा था वो पेप्टोन पहले ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या कीमोट्रिप्सिन की हेल्प से किसमें दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हों उसमें टूट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, डाई मीन टू, ठीक है। अब ये किसमें टूट जाएगा फिर, सबसे छोटी इकाई में, अमाइनो एसिड। तो हम क्या कहेंगे प्रोटीन की डाइजेशन कहां पर कंप्लीट हो रही है बच्चे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऐसे ही हमने ऊपर पढ़ा था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, फिर लाइपेज ने काम किया, लाइपेज कहां से आया था, पेंक्रियाटिक जूस से आया था और इंटेस्टाइन के जूस में भी प्रेजेंट, तो वो दोनों एंजाइम हमारे फैट को सबसे छोटी इकाई में तोड़ देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। तो फैट की डाइजेशन भी कहां पर कंप्लीट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने देखा था कि जो हमारा माउथ में कार्बोहाइड्रेट टूटा था वो माल्टोज टूटा था, अब माल्टोज को फर्दर तोड़ने के लिए बहुत सारे एंजाइम है, माल्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम कहाँ पर हैं, इंटेस्टाइन में हैं। तो माल्टोज जो है बच्चे हमारा, समझो माल्टोज आया था हमारा ऊपर से, माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम काम करेगा और वो टूट जाएगा ग्लूकोज में, किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को अब हमारे सेल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस फॉर्म में सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, माल्टोज नहीं लेगा, किस फॉर्म में लेगा, ग्लूकोज। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, जैसे जब हम बहुत लो फील करते हैं तो हम खाना नहीं खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कराने में तो 3-4 घंटे, ये सारा प्रोसेस 3-4 घंटे में कंप्लीट होएगा। तो जब आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो आप क्या पीते हो, ग्लूकोज। या आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो तो डॉक्टर आपको क्या, ग्लूकोज चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है वो, क्योंकि आपकी बॉडी को एकदम से एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी कब मिलेगी आपको, जब सेल जल्दी से जल्दी ग्लूकोज को ले लेगा, मतलब एब्जॉर्बेबल चीज को ले लेगा। तो एब्जॉर्बेबल चीज तो ग्लूकोज है, इसलिए आप जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप डायरेक्ट खाना नहीं खाओगे, आप उसको, उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। इंस्टेंट एनर्जी आप ग्लूकोज पीते हो तो क्यों मिल रही है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट चीज में है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, उसको नहीं डाइजेस्ट कराना, उसको डायरेक्ट सेल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। डायरेक्ट सेल में ग्लूकोज पहुंच गई, वहां पर एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी और आपको ताकत मिलेगी। तो जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चीज लोगे, ग्लूकोज लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फूड ले रहे हो तो फूड को में तो ये सारे प्रोसेसेस होंगे और उसमें टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 3-4 घंटे आपकी डाइजेशन कंप्लीट होने में लगते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चे, ग्लूकोज। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमाइनो एसिड। फैट की सबसे छोटी इकाई क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। ये सारी चीजें अब सेल एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्ब कराने के लिए भी कुछ चेंजेस हैं। जैसे हम कहें अब लिक्विड चीज होती है, जैसे आपकी फैटी एसिड है, जैसे हम कहें फैटी एसिड या ग्लिसरोल, ये चिकने पदार्थ हैं,
और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा ये लिक्विड, जैसे हम कहें कि तेल पानी में मिक्स नहीं हो सकता, है ना, नहीं मिक्स हो सकता ना, तो हमारी मेम्ब्रेन को ये कैसे क्रॉस करके जाएगा, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारा डाइजेशन, जो स्टार्ट कहाँ पर हुआ बच्चे, माउथ में, कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुई। माउथ में जब खाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। स्टमक में जो खाना है उसको हम क्या बोलेंगे, काइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह की सिक्रीशंस होती हैं, बाइल फ्रॉम लीवर, पेंक्रियाटिक फ्रॉम पेंक्रियाज, और इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम होता है, उसे हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलेंगे हम, सक्कस एंट्रिकस, जिसके अंदर एंटीरोकाइनेज, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज, ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो डाइजेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेबल चीजों में हमारा खाना टूट जाता है। प्रोटीन की एब्जॉर्बेबल चीज क्या है, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्बेबल चीज क्या है, ग्लूकोज। और फैट्स की क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। थैंक यू।